वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे होममेड चने का सत्तू। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो भुना हुआ चना लिया है और भुना हुआ चने से कुछ छिलका इस तरह से अलग हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा छिलका है उसे हम निकाल के साफ़ कर लेंगे। और इस तरह से मैंने चने को साफ़ कर लिया है और ध्यान रखिए चना इस तरह से क्रंची हो। ये सॉफ्ट होगा तो इसका सत्तू अच्छा नहीं बनेगा। और ये जो एक्स्ट्रा स्किन था इसे मैंने निकाल लिया है। अब इस चने से हम सत्तू बनाएंगे। मिक्सी के जार में चने को डालेंगे। चना जितना अच्छे से भुना हुआ होगा इसका सत्तू आप उतना दिनों तक ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें 25-30 आलमंड डालेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसे ढककर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए हमारा जो सत्तू है वो बनके तैयार हो चुका है और ये एकदम फाइन पाउडर हमने बना लिया है। इस तरह से देखिए इसमें कोई भी दाना नहीं है। अब इसे हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे और जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर बनाइए। बाज़ार से ख़रीदने वाले सत्तू से ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।